तो हेमंत सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए दिग्गजों का रांची पहुंचना शुरू हो गया है। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भी गहमा गहमी है, हलचल है, और वहां से हमारे सहयोगी सौरभ जुड़े हुए हैं। सीधा उनके पास चलेंगे और वहां क्या कुछ गतिविधियां हैं वो हम जानेंगे। सौरभ, एयरपोर्ट पर आपकी मौजूदगी है, फिलहाल कैसा हलचल दिख रहा है और कौन कौन से बड़े नेताओं का आगमन हो गया है? जी बिल्कुल, देखिए हेमंत सोरेन सरकार को जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत मिलने के बाद आज शाम हेमंत सोरेन बतौर मुख्यमंत्री एक बार फिर से शपथ लेने जा रहे हैं। अब इसी सिलसिले में लगातार जो कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उन्हें भी आमंत्रण दिया गया है। बकायदा हेमंत सोरेन खुद दिल्ली पहुंचे थे और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए आमंत्रण दिया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अमित शाह को भी शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। आपको बताते चलें कि बीती शाम ही जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं उन्हें वो रांची पहुंच गए, गुलाम मोहम्मद मीर, उनके साथ कई कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं और आज शाम शपथ ग्रहण समारोह है। और आज से इस वक्त मेरी मौजूदगी रांची एयरपोर्ट पर है जहां पे अब से कुछ देर के बाद से नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सबसे पहले यदि बात की जाए तो पड़ोसी राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं बंगाल की ममता बनर्जी भी आएंगी, इसके साथ ही तेजस्वी यादव और भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, उसके साथ ही MK स्टालिन और उदय स्टालिन, ये सब तमाम नेता पहुंचने वाले हैं। इस वक्त ये एक तस्वीरें हैं जहां पे झारखंडी परंपरा के अनुसार जो भी नेता यहां पहुंचेंगे उनका स्वागत किया जाएगा। देख सकते हैं कि जो झारखंड की जो एक परंपरा है जिस प्रकार से जो यहां मेहमान आते हैं उन्हें उनकी जो स्वागत की जाती है इसी परंपरा के अनुसार, तो यहां पे काफ़ी लाव लश्कर के साथ कह सकते हैं कि झारखंडी परंपरा के अनुसार जो भी नेता यहां पहुंचेंगे उनका स्वागत किया जाएगा। इसके साथ ही से प्रशासन भी हाई अलर्ट पे है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पूरे शहर में हाई अलर्ट किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि पोस्टर से पूरे शहर को पाठ दिया गया है कि जिस प्रकार से जो जो नेता पहुँच रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह की जो जिस प्रकार से तैयारियाँ मोरहाबादी मैदान में 3 दिनों तक चली, इसके बाद ही मोरहाबादी मैदान भी सजकर तैयार हो चुका है और आज शाम हेमंत सोरेन का राजतिलक होना है। तो एक तस्वीरें मैं इधर सबसे पहले दिखाना चाहूँगा कि प्रशासन की भी यहाँ पे मौजूदगी है और लगातार एक एक पहलू पे नजर बनाए गए हैं कि कोई किसी प्रकार की चूक ना हो। यहाँ पे जो भी नेता पहुँचेंगे उनकी स्कॉट पहले से लगी हुई है, उस राज्य के जो भी पुलिस है यहाँ पे पहले से आ चुके हैं और यहाँ निरीक्षण की जा रही है। तो देख सकते हैं कि एयरपोर्ट का ये नज़ारा है जहाँ पे नेताओं को रिसीव करने के लिए जो प्रदेश के नेता है वो भी पहुँचे हुए हैं, कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं। पूरी हलचल तेज है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर, चाहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो, RJD के कार्यकर्ता हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, इसके साथ ही और भी जो वाम दल के कार्यकर्ता हो, तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हलचल तेज है। प्रशासन की भी एक कह सकते हैं कि सजग निगरानी है, यहाँ पे हाई अलर्ट है। इसके साथ ही देख सकते हैं कि अखिलेश यादव के भी समर्थक यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। देख ये जो तस्वीरें हैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की, यहाँ पे लगातार अब से कुछ देर के को से बात करने की अगर आप कोशिश कर सकते हैं, उनसे बातचीत हो सकती है तो जरूर बात कीजिए कि वो अपने नेता को लेकर कितने उत्साहित हैं और महागठबंधन की जो यहाँ पर शक्ति, अब इंडिया गठबंधन एक जो शक्ति प्रदर्शन करेगा उसके लिए समर्थक कितने तैयार हैं, समर्थकों में कितना जोश है, उनसे भी जानिए जरा। अखिलेश यादव किनको रिसीव करने के लिए आए हैं? लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव जी को। जी कहाँ से आए? हमारे पलामू से आए। जी और कौन कौन आ रहे हैं यूपी से? यूपी से खाली अखिलेश यादव जा रहे हैं, प्रभारी आए हुए हैं व्यास जी कौन हैं, आपको प्रदेश के अध्यक्ष हैं रंजन यादव जी हैं, असम ऊंचा कार्यकर्ता सब आए हैं झारखंड से। देखिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे, उनके जो कार्यकर्ता हैं समर्थक हैं वो उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हैं। तो लगातार जो भी है नेताओं के आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है और उनको रिसीव करने के लिए कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं। बाकायदा पूरी तैयारी कर ली गई है और जिस प्रकार से शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की एक तैयारी है तो उसको
एक अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। इसके साथ ही पूरे शहर में पोस्टर लगाए गए हैं, झंडे लगाए गए हैं कि किस प्रकार से शहर का एक रूपरेखा बदले। जो भी नेता यहां पहुंच रहे हैं शहर को एक अच्छे तरीके से देखें। तो एयरपोर्ट पर सुबह से ही गहमागहमी का माहौल है। लगातार अब से कुछ देर के बाद तेजस्वी यादव की आने की खबर है। उसके बाद भगवंत मान, केजरीवाल और ममता बनर्जी समेत कई ऐसे कद्दावर नेता हैं जो शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल, तो कई कद्दावर नेता इंडी गठबंधन के यहाँ पर शिरकत करेंगे। सौरभ, देखिए पूरे राजधानी रांची की बात करें तो सौरभ, एक पोस्टर सबसे चर्चा का केंद्र है, अबुआ सरकार का शपथ ग्रहण। यानी कि अबुआ को अगर आप डिकोड करें सौरभ, अबुआ को अगर आप यहाँ के लोकल लैंग्वेज में समझें तो अबुआ से सरकार एक कनेक्शन बिल्ड करना चाह रही है, अपनों को जोड़ना चाह रही है। जो मैंडेट जनता ने दिया है सरकार को उससे सरकार कनेक्ट होना चाह रही है। और अबुआ सरकार के शपथ ग्रहण के माध्यम से सरकार एक संदेश भी दे रही है कि आपने सरकार को चुना है, आप सादर आमंत्रित हैं इस समारोह में। पोस्टर की यदि बात की जाए तो 23 तारीख को जो रिजल्ट आए थे, रिजल्ट के बाद ही एक से बढ़कर एक पोस्टर रांची के चौक चौराहे पर लगाए गए थे कि हेमंत दोबारा करके कई पोस्टर लगे कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, टाइगर इज बैक, इस प्रकार के पोस्टर लगाए गए थे। उसके बाद जो शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, अबुआ सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राजधानी रांची के अलग अलग चौक चौराहे पर पोस्टर लगाए गए हैं। इसके साथ ही उसमें अबुआ सरकार की शपथ ग्रहण समारोह में राज्यवासियों सादर आमंत्रित है, इस प्रकार के वाक्य लिखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं जनता से कनेक्ट करने की कोशिश है। और कल जिस प्रकार से हेमंत सोरेन अपने पैतृक गांव पहुंचे और वहां भी उन्होंने राज्यवासियों से आग्रह किया कि आप इस शपथ ग्रहण समारोह में आइए और इसका साक्षी बनिए। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत हेमंत सोरेन सरकार को फिर से मिला है तो जनता से कनेक्ट करने की कोशिश है। और कह सकते हैं कि एक भव्य तरीके से इस शपथ ग्रहण समारोह को दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर तमाम बड़े नेताओं को, जो देश के बड़े नेता हैं, उन्हें आमंत्रण दिया गया है कि और वो शिरकत भी कर रहे हैं। राजधानी रांची की यदि बात की जाए तो सुबह से ही तैयारियां जोरों से हैं, प्रशासन अलर्ट पे है। इसके साथ ही जो एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, कार्यकर्ताएं सुबह से यहां पे पहुंचे हुए अपने नेता को रिसीव करने के लिए। चाहे सभी दल की बात की जाए, वाम दल से भी दीपांकर भट्टाचार्य यहां पे पहुंचेंगे शपथ ग्रहण समारोह में। तो अब से कुछ देर के बाद धीरे धीरे सभी नेताओं का आने का सिलसिला जारी रहेगा। जी सिलसिला जारी रहेगा सौरभ। देखिए एक और चीज आपसे समझेंगे सौरभ, देखिए भले ही ये मंच शपथ ग्रहण समारोह का है लेकिन जब इंडी गठबंधन के बड़े नेताओं का जुटान हो रहा है सौरभ, तो यहां शक्ति प्रदर्शन भी होगा और यहां से मजबूती भी प्रदान की जाएगी पूरे इंडिया ब्लॉक को। देखिए दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं अगले वर्ष, तो ये मंच जो है भले शपथ ग्रहण का है लेकिन यहां से जो मजबूती, जो एकता इंडिया गठबंधन के नेता दिखाएंगे उसका मैसेज दिल्ली और बिहार तक भी जाने वाला है सौरभ, इस मंच के जरिए। यानी कि शक्ति प्रदर्शन की जाएगी, एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जिस प्रकार से राजधानी रांची पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आने वाले दिनों में जिस भी राज्य में चुनाव होने हैं वहां हम सब एक रहेंगे, एक मिलकर लड़ेंगे और कहीं ना कहीं इसका नतीजा देखने को भी मिलेगा। जिस प्रकार से झारखंड में प्रचंड बहुमत हेमंत सोरेन सरकार को मिली है, RJD कांग्रेस झामुमो और वाम दल के नेता ने लड़के मजबूती के साथ चुनाव प्रचार में जनता के बीच पहुंचे जिसका नतीजा हमें देखने को मिला है। अब बिहार में चुनाव होने हैं, RJD का यहां पे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा तो उम्मीद है कि RJD जिस प्रकार से झारखंड में वापसी की है और बिहार गढ़ माना जाता है तो वहां भी कहीं ना कहीं एक अच्छी मैंडेट मिलने की संभावना जताई जा रही है। उसके बाद यदि दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी कुछ दिनों के बाद चुनाव होने हैं तो वहां पर भी कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाएगी जिस प्रकार से नेता यहां पहुंच रहे हैं। फिर अलग अलग राज्यों के नेता बिहार जाएंगे, दिल्ली जाएंगे प्रचार प्रसार करने के लिए, तो जिसे लोगों के साथ कनेक्ट किया जा सके। जी तो दो राज्यों को भी यहां से साधा जाएगा आने वाले समय में, दो राज्यों में चुनाव होने हैं, बिहार एक बड़ा राज्य है, दिल्ली में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं और चूंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी इस समारोह में पहुंच रहे हैं तो यहां से भी वो जनता को मैसेज देने की कोशिश करेंगे। तो एक भव्य समारोह होने वाला है और इस समारोह में
पहुंचने के लिए दिग्गजों का जो जुटान है वो शुरू हो गया है। तमाम राजनीतिक दलों के समर्थकों की मौजूदगी है एयरपोर्ट पर और वो अपने अपने नेता के स्वागत के लिए तैयार हैं। पारंपरिक अंदाज में सभी नेताओं के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर व्यवस्थाएं की गई हैं। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद सौरभ, लगातार हम आपसे अपडेट वहां से लेते रहेंगे, जैसे ही कोई बड़े नेताओं का आगमन होगा फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे रांची एयरपोर्ट की, जहां तमाम जो समर्थक हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के वो अपने अपने नेताओं के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर खड़े हैं और अपने अपने अंदाज में जो है वो स्वागत की तैयारी है। तस्वीरें हमने आपको दिखाया कि पारंपरिक अंदाज में जो झारखंड की संस्कृति है, झारखंड की परंपरा है, ढोल नगाड़े के साथ अतिथियों का स्वागत किया जाता है और जब मौका हो सरकार गठन का, जब मौका हो अबुआ सरकार के शपथ ग्रहण का, तो ये मौका और भी खास हो जाता है। और ठीक ऐसे ही दृश्य हमें राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से देखने को मिल रहे हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी रांची एयरपोर्ट की।